शोभराज किचनेट में फिर से आपका स्वागत है। अगर शाम की चाय के साथ आपका मन हो रहा है समोसा खाने का, तो शोभराज किचनेट आपके लिए लेकर आ रहा है क्विक समोसा रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। समोसे बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड लिए हैं, ये बॉयल पोटैटो है जिसे मैंने मैश करके रखा है, थोड़ा कॉर्नफ्लावर, नमक, ये अमचूर पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, ये ग्रीन पीज है और ये थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने ड्राई पुदीना का ये पाउडर लिया है, ड्राई पुदीना को क्रश करके, और तलने के लिए तेल। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखा और कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया। तेल थोड़ा गर्म हो गया, अब इसमें जो अदरक हमने ग्रेट करके रखा है वो अदरक पहले इसमें डाल देंगे, करीब 1 चम्मच अदरक है। फिर इसमें ये ग्रीन पीस डाल देंगे, थोड़ा सा इसको सौते करने के बाद इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये मटर थोड़ा भून चुका है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, करीब 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आपको जितना भी समोसा बनाना है उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और फिर इसमें ये जो पोटैटो हमने मैश करके रखा है, ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए, देखिए ये बहुत काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े हैं इसके, तो इस तरह से जस्ट इसको क्रश कर देना है। इन पोटैटो को इसमें डाल देंगे, और इसे भी इसमें सारा मिक्स कर देंगे। और इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर है। इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर भी डालेंगे और जो हरी मिर्च हमने काट के रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि मैंने लाल मिर्च इसमें नहीं डाला है। लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च से काफ़ी अच्छा तीखा हो जाएगा। ये जो हमने पुदीना रखा है इसे इसी तरह से पुदीना पाउडर को इसमें इस तरह से क्रश करते हुए स्प्रिंकल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हमारा स्टफिंग मसाला बनके तैयार है। के लिए हम ये ब्रेड लेंगे और ब्रेड के जितने भी ये ब्राउन किनारे हैं सबको काट देंगे। इसे अच्छी तरह से काट के आप चाहे तो इसे ड्राई करके इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। ये ब्रेड कट चुका है, इसे थोड़ा पतला बेल लेंगे। इसे इस तरफ से काफी पतला बेल जाएगा ये। देखिए इसका थिकनेस देख रहे हैं, इसे मैंने काफ़ी पतला बेल दिया, ये मैंने सारे ब्रेड को इस तरह से बेल दिया है, मैंने सारे ब्रेड को इस तरह से बेल दिया है। अब
अब चलिए इसमें स्टफिंग करते हैं। अब समोसा बनाने के लिए मैं ये ब्रेड का शीट लूँगी और इसे बीच से काट के ट्रायंगल शेप में ले आएंगे। इस तरह से कट गया। अब मैंने ये मैदे का घोल बनाया है, ये ग्लू का काम करेगा। इसे इसके किनारे पे इस तरह से ब्रश से लगा दीजिए और फिर इसे इस तरह से चिपकाएंगे। इसे उंगली से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करिए, इसे अच्छी तरह से चिपकाना है, नहीं तो ये तलते समय फिर खुल जाएगा। और इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। ये छोटे छोटे समोसे बनके तैयार होंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी। इसके अंदर मैंने ये फिल कर दिया। अब इसके एजेस में फिर ये मैदे का घोल लगा के और इसे इस तरह से बंद करेंगे। इसे चिपकाना अच्छी तरह से है। ये देखिए कुछ इस तरह का शेप आएगा। इसे इस तरह से चिपकाना है। ये देखिए हमारा समोसा बनके तैयार है। अब हम जो कॉर्नफ्लोर लिए थे उसे थोड़ा सा पानी से घोल लेंगे। इन सारे समोसों को इन कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करके ही तलेंगे। उससे समोसा बहुत क्रिस्पी बनेगा और साथ ही ये बहुत ही कम ऑयल अब्जॉर्ब करेगा। इस तरह का घोल बना के इसमें सारे समोसों को तलेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका। इसमें पहले चेक करने के एक ब्रेड का टुकड़ा डाल के देख रहे हैं। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका। अब इसमें समोसों को डालेंगे। समोसों को डालने से पहले ये जो कॉर्नफ्लोर का हमने घोल बनाया है इसमें इन समोसों को डिप करेंगे इस तरह से। बस एक पतला सा लेयर इसके ऊपर आ जाएगा। फिर इसे डालेंगे इसी तरह से। सारे समोसों को डिप करके कढ़ाई में डालना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और इसे इस तरह से पलट दीजिए। इस तरह का कलर आ गया है। अब ये समोसा अच्छी तरह से तला जा चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में टिश्यू पेपर डाल के उसके ऊपर आप इन समोसों को निकालेंगे। अब देखिएगा टिश्यू पेपर में बहुत ही कम तेल अब्जॉर्ब होगा क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर का जो हमने कोटिंग किया है इससे तेल भी बहुत कम लगता है और समोसे क्रिस्पी भी होते हैं। इस तरह से करके सारे समोसों को तल लेंगे। मैदे का समोसा बनकर तैयार है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैदा खाना नहीं चाहते, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।